चालू चलिए। हाँ बच्चों, कल हम पोषण के बारे में बता रहे थे, तो पोषण के प्रकार हम आप जानते हैं कि सभी जीव अपना अपना पोषण विभिन्न प्रकार की विधियों से करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पोषण के लिए पदार्थ स्व पोषण। ऐसे पौधे जो अपना भोजन एक जगह स्थिर होकर के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के फलस्वरूप ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस क्रिया के दौरान देखते हैं कि CO2 प्लस H2O जल का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश पत्तियों के द्वारा, हम आप जानते हैं कि जैसे कोई भी पौधा है तो प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पत्तियों के ऊपरी भाग से प्रकाश संश्लेषण यानी क्लोरोफिल को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद उनके जब स्टोमेटा खुल जाते हैं तो उनके अंदर क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश के संयोग से जब कार्बन और ऑक्सीजन का अपघटन होता है तो C6H12O6 का निर्माण होता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि इस ऑक्सीजन को जब सौर ऊर्जा के रूप में सूर्य की किरणें उसको अवशोषित कर, सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद उस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का अपघटन होता है और स्वरूप ऑक्सीजन निकलता है। और ऑक्सीजन निकलने के बाद जो प्रथम उत्पादक है, पौधे को जानते हैं प्रथम उत्पादक होते हैं, लेकिन द्वितीय जो प्रथम उपभोक्ता है जैसे बकरी वगैरह है, गाय भैंस आदि, जब इनको ग्रहण करते हैं समस्त पौधों से जो मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उस ऑक्साइड को क्या करते हैं, समस्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जब इनसे जो मुक्त होता है ऑक्सीजन तो समस्त जीवधारी जो प्रथम उपभोक्ता है जो घास खाते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होने के नाते यह ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और इस क्रिया के दौरान फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। और हम लोगों ने बोला कि पेड़ और पौधे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि दोनों के बिना जीवन संभव नहीं है। उत्पत्ति से लेकर के आज तक पेड़ पौधे तथा जब सभी जंतु एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन छोड़ता है तो समस्त पौधे उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के दौरान फिर ग्लूकोज और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होता है और फिर उसको सभी जीव ग्रहण करते हैं। क्योंकि इस प्रक्रम में स्व पोषण के प्रक्रम में निम्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहला है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा अपघटन, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस क्रिया के दौरान समस्त जो पौधे और जीव जंतु हैं जो स्व पोषण करते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। दूसरा होता है परपोषण, परपोषण से करते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं वह दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषण कहते हैं। परपोषण के दौरान जैसे आप देखते हैं कि अमरबेल और सेम पौधों जैसे पौधा कोई है, उस पौधे के ऊपर एक पौधा हो गया, इस पौधे के ऊपर ये लिपट करके उसके शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषण। दूसरा होता है निकोप पोषण, ऐसे जीव जो सड़े गले स्थानों पर
और दूसरा होता है परपोषण, जो दूसरे में क्या होते हैं आश्रित होते हैं। इस प्रकार से पौधे दो प्रकार के पोषण, स्वपोषण और परपोषण की क्रिया करते हैं।